23rd October जिस सेंट्रो की लॉन्चिंग डेट है, हमारे साथ इमरान भी है जो हमें इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सेंट्रो को एक्सप्लोर करो, तो हम आ जाए बिना एक्सप्लेन सर। हाय, इमरान श्री गंगा मुंडा, इसके मैं सेल्स मैनेजर। इंडिया की मोस्ट अवेटेड कार जो सेंट्रो, जिसको हम फैमिली हैचबैक बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट फैमिली हैचबैक, इंडिया की नंबर वन ये फैमिली कार के रूप में जानी जाती है। इसको आज लॉन्च कर दिया कंपनी ने। पुरानी सेंट्रो से काफ़ी इसको स्टाइलिश किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इसको फीचर्स वाइज इसमें दिए गए हैं। दूसरा सेफ्टी वाइज इसके अंदर एयरबैग स्टैंडर्ड मॉडल से स्टार्ट है, एयरबैग और एबीएस। साथ में न्यू वाली सेंट्रो के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन है विद कैमरा और सेंसर, और भी इसके अंदर 1.1 लीटर का इंजन है, 69 PS पावर है। सेगमेंट की बात की जाए तो ये इस सेगमेंट के अंदर टियागो है, वेगनार है, सेलेरियो है, इनसे इसका कंपटीशन रहेगा। उससे काफ़ी ज़्यादा ये स्टाइलिश है, साथ में स्पेसियस है अंदर से। जैसे पुराने वाले सेंट्रो की जो इमेज थी टॉल बॉय इमेज, और साथ के अंदर वो सेफ्टीज के अंदर काफ़ी वही सेम इसमें किया है, बस थोड़ा सा इसको स्टाइलिश दिया है। मतलब हम बोलना चाहेंगे नई जनरेशन की सेंट्रो, न्यू जनरेशन की जी जी, इसको न्यू जनरेशन। जैसे न्यू जनरेशन अभी हुंडई के अंदर वरना है, क्रेटा है, i20 है, उसी हिसाब से इसको नई डिज़ाइन दी गई है। और इसके अंदर जो चेंज किया कंपनी ने, इसकी वायर हेड एम दे दी है, साथ में फॉग लैंप है, काफ़ी ऊपर दिए गए हैं, न्यू स्टाइलिश है, और इंटरनेशनल जो गाड़ियों में दी जाती है उसी हिसाब से इसकी फॉग लैंप दी गई है। एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने हुंडई के लोगों से। स्टैंडर्ड हुंडई का लोगो है, बट इसको एक बम्फर के अपलिफ्ट में डिज़ाइन दी गई है। फिर हम नीचे जाएंगे, हम सर की हेल्प लेना चाहेंगे इसकी ग्रिल के बारे में। सर बताइए हमें ग्रिल के बारे में। जैसे ये हमारे हुंडई का एक एस्टैब्लिश हो गया है, हाँ। सभी गाड़ियों में, जैसे लग्जरी गाड़ी का हो या फिर हैचबैक सेगमेंट हो, तो उसमें है कि ये जो कास्केड जो ग्रिल है, हाँ सर, ये हमारा गाड़ी का जो पहचान बन रही है अभी सभी में। जैसे बोलो आजकल हुंडई एक स्टैंडर्ड फीचर में इस कैस्केड ग्रिल को निकाल रही है। फिर हम बात करना चाहेंगे हेडलैम्प्स के बारे में। ये जो फॉग लैम्प दे रखा है अभी जो सेंट्रो में दिया है, इसके बाहर का जो फ्रंट का जो लुक है उसको देने के हिसाब से, जैसे प्रीमियम लुक के हिसाब से ये फॉग लाइट दी है। बाकी नॉर्मल जो फॉग लाइट आती है हैलोजन लैम्प्स के साथ है, हैलोजन लैम्प के साथ है, ठीक है। कमरे ने एक फीचर दिया है इसको, मतलब अपलिफ्ट करके ज़्यादा रेंज करने, ज़्यादा रेंज करनी, ठीक है सर। ये वाइड हेडलैम्प है, हाँ सर, अपने को फ्रंट की जो है वाइड रेंज तक अपने को इसकी दूरी दिखाता है, और जो लाइटिंग है उसकी बहुत अच्छी है। और अगर हम जैसे अदर फीचर्स की बात करें, इसके बाहर के जो एक्सटीरियर की है, ग्राफिक्स की है, तो जो कि सर मैं एक बार आपसे रोकना चाहूँगा, जो हमें हेडलैम्प पे ये डिज़ाइन मिल रही है वो सेम हमें बॉडी पे मिल रही है, हाँ, जो एरोडायनामिक डिज़ाइन हमें हेडलैम्प से स्टार्ट के एंड तक मिल रही है। ये 2.0 जो फ्लूइडिक डिज़ाइन जो है, ये हमारी हुंडई का जो कॉपी एडेड है, इसको कोई दूसरा कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। 2.0 जो फ्लूइडिक है वो आपको, जैसे इससे पहले जो इओन थी उसमें भी आपको वही डिज़ाइन मिलेगी, और जैसे आप सेंटर पे और टूसोन में जाओगे तो आपको वही डिज़ाइन सेम मिलेगी। ये बात होगी सर अपने एरोडायनामिक डिज़ाइन की। इसमें हमें मिल रहे हैं बॉडी कलर्ड OVRMs, हाँ, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल बॉडी कलर OVRMs। सर यहाँ आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ना कि फोल्डेबल? ना ना ना, फोल्डेबल नहीं है, हाँ। आपको ये बता लूँ, इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, ये बॉडी कलर्ड में है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना कि फोल्डेबल नहीं है। एक्सटीरियर के ग्राफिक्स की बात करें, इसमें जो जेड शेप का जो ग्राफिक्स दे रखा है ये बहुत अच्छा दिखने में है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो इस सेगमेंट में है जो अभी तक का सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 172 mm,
172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। सर आपने ग्राउंड क्लियरेंस की बात की, हम आपसे इनके जो व्हील्स हैं इसके बारे में पूछना चाहेंगे। व्हील्स सर इसके अगर व्हील्स की बात करें तो इसमें 14 इंचेस के व्हील्स दे रखे हैं। स्टील व्हील्स है अपने पास, विद व्हील कैप्स, विद व्हील कैप्स है स्टड के साथ। और इस सेगमेंट की अदर कंपैरिजन की अगर कार्स की बात करें तो उससे ज्यादा आपको इसका वाइड जो है टायर साइज है वो मिलेगा, टायर विड्थ हमें ज्यादा मिलेगी, इससे ग्रिप बढ़ेगी, ग्रिप अच्छी होगी और कंट्रोलिंग भी अच्छी होगी। हाँ सर, फिर हम दूसरे फीचर्स की बात करते हैं। सबसे अच्छी चीज जो है विंड स्क्रीन, विंड शील्ड है वो आपको थोड़ा वाइड मिलेगा, अदर कंपैरिजन कार से ज्यादा वाइड मिलेगा। अगर इसको पुराने वाले सेंट्रो से कंपेयर किया जाए तो उससे भी वाइड है, इससे भी ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो क्लीयरेंस मिलेगी ड्राइविंग टाइम पे, जो ड्राइवर है वो आपको इसको आगे तक बढ़िया क्लीयरेंस दिखेगा, नीचे की साइड में है, साइड में है, सब आपको अच्छा दिखेगा। इसके सर साइड लुक की बात करें तो ये जो है इसका जो डिजाइन है थोड़ा क्रॉसिंग करके ऊपर से अप एंड डाउन में आ रहा है, तो ये जो पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनको कवर करने के लिए है, उसे बैक साइड में इंजरीज ना हो ज़्यादा वाइड तक ऊपर तक दे रखा है। और कंपनी ने ये जो फ्लूइडिक डिज़ाइन है ये लास्ट तक मेंटेन की है। सर यहाँ पे जो ये फ्लूइडिक डिज़ाइन जिसको एरोडायनामिक डिज़ाइन बोला जाता है वो कहीं ना कहीं हाईवे पे कंट्रोल करेगी अपनी गाड़ी को, जैसे हाई स्पीड पे जा रहे हैं। पहली चीज़ मैं इसको कंट्रोलिंग से नहीं लेके जाऊँगा, पहले इसकी अपन फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, फ्यूल एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि अदर जो कंपनीज की जो कार आती है वो बॉक्सी डिज़ाइन में आती है, जैसे उठी हुई है, वैगनार है, सिलेरियो है, ये आपको बॉक्सी टाइप में मिलेगी, जिनका जो गाड़ी का जो डिज़ाइन होगा वो बॉक्सी टाइप मिलेगा। फ्लूइडिक डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो हवा को जो अच्छे तरीके से फ्लो करके कट करके आराम से निकल सके, उससे क्या है गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपकी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। इस वजह से कंपनी का जो 2.0 फ्लूइडिक डिज़ाइन है वो आपको हर सेगमेंट में मिलता है और बेटर लुक भी देता है और फ्यूल एफिशिएंसी में भी काम में आता है, ये दो चीज़ों में काम में आता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो इसका जो पीछे का जो शेप होगा वो आपको वाइड नैरो मिलेगा, वाइड और नैरो मिलेगा, ऊपर की तरफ से वाइड मिलेगा और बीच की तरफ से आपको नैरो मिलेगा, तो एयर कटिंग ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाए अपनी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी आपको जो जो हवा जो कट होके पीछे की तरफ जा रही है तो पीछे का जो पोर्शन होता है स्टेबिलिटी पीछे वाला पोर्शन ही कंट्रोल बनाता है। हाँ सर, पीछे वाला जो हिस्सा है वही स्टेबिलिटी बढ़ाता है, वो क्या है हवा जो होगी वो आराम से फ्लो होगी, इसी वजह से ताकि कोई बम्प ना प्रोवाइड करे पीछे वाला। तो इसका जो 2.0 फ्लूइडिक डिज़ाइन है हुंडई का जो पेटेंट डिज़ाइन है, आगे की तरफ जो हवा फ्लो होती है ये रियर स्पॉइलर जो है ये कंपनी ने स्पोर्टी लुक के लिए भी दिया है, दूसरा इसमें जो गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है और जो कटिंग है जो एयर कटिंग है, जो एयर कटिंग जो होगी हवा का जो वो स्मूथली हो जाएगी, वो स्मूथ हो जाएगी और जो एयर आएगी कट के जो एयर आएगी वो नीचे की तरफ इजीली फ्लो हो जाएगी। फिर अपन बात करना चाहेंगे टेल लैंप्स के बारे में, सर से पूछेंगे इसमें कौन से बल्ब्स दिए गए हैं और कौन सी डिज़ाइन दी गई है इसमें। इसमें सर वाइड टेल लैंप दे रखे हैं, जो हमारी जो इसके अंदर टेल लैंप में जो पहचान है इसमें हेलोजन लाइट दे रखी है, टर्न इंडिकेटर है। और अब नीचे की तरफ आते हैं तो जो ये डिज़ाइन दे रखा है पीछे जो रियर बम्पर, फिर जो पीछे बम्पर देख रहे हैं वो डुअल टोन में बनाया गया है और कहीं ना कहीं एलेंट्रा से कंपेयर करता है। ये डुअल टोन बम्पर है जिससे कि पीछे का जो पोर्शन है सेंट्रो का जो स्पोर्टी लुक में आता है उसके हिसाब से दे रखा है और रिफ्लेक्टर के साथ है। आगे अगर अपन आगे चले तो इसमें पार्किंग सेंसर है, जहाँ हमें दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे और ये टॉप मॉडल है सर। ये टॉप वेरिएंट में आपको पार्किंग कैमरा है और जो सेंट्रो का जो सेंट्रो के पीछे बैचिंग मिलेगी, हमें रियर वाइपर मिलेगा विद वॉशर और ये हाई माउंटेड टेल लैम्प मिलेगा अपन को। अगर आप देख पा रहे हो ये डिफोगर मिलेंगे आपको जो रियर मिरर में मिलेंगे, ये इधर एस्टा की बैचिंग सेम उस साइड वाला जो टेल लैम्प्स थी वो जो आपको की मिलेगी सेंट्रो की वो नॉर्मल हुंडई की सिग्निफाइड की मिलेगी जो कि आपको ग्रैंड आइटन में मिलेगी। इसमें एक रिमोट और एक विदाउट रिमोट मिलेगी, इसमें दोनों में इमोबिलाइजर मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड के डोर पे, आपको एक कमी मिलेगी यहाँ पे जो कि हुंडई ने बड़ी क्लेवर तरीके से इसको पूरा किया गया है। ड्राइवर डोर में ग्रैब हैंडल मिलेगा, नीचे एक लीटर वाटर बॉटल का स्पेस मिलेगा और कुछ मैगजीन स्पेस मिलेगा। ये आपका डोर हैंडल जो कि लॉकिंग मैकेनिज्म और ये डोर अनलॉक के साथ है। ये आपका सिल्वर टोन्ड है, अब आराम से देख सकते हैं।
यहाँ कुछ डिजाइन दी गई है इसमें। थोड़ा नीचे जाते हैं ड्राइवर डोर्स पे तो अपने मिलेगा स्पीकर, जो कि एक बढ़िया ही चारों तरफ की डिजाइन से बनाया गया है। फिर हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर सबसे पहले होती है ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट में ये साइड में कुशनिंग दी हुई है, ये विदाउट हाइट हेडरेस्ट एजेबल है, एडजस्टेबल नहीं है हेडरेस्ट। और नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पे कुशनिंग दी हुई है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट वाले सेंट्रो में नहीं थी वो था थाई सपोर्ट। इसमें थाई सपोर्ट भी दिया गया है। आपकी सीट आगे पीछे और ये वाली सीट पीछे और आगे हो सकती है। इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये वाला ऑप्शन पीछे वाली सीट को आगे पीछे करने का है। वहीं हम चलते हैं अंदर गाड़ी के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग व्हील से। स्टेयरिंग व्हील एज यूजुअल उतना ही लाइट है जितना हुंडई फेमस है स्टेयरिंग व्हील्स के लिए। इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। इसमें वॉल्यूम एडजस्टमेंट, म्यूट, हॉर्न, ये एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेगा आपको ड्राइवर साइड वाला अक्रॉस द वेरियंट्स। और इस साइड में आपको मिलेगा मोड और ट्रैक एडजस्टमेंट्स का। फिर हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। गाड़ी ऑन करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें इधर टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, इस साइड में छोटा सा MID जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और ये एडजस्ट होगा यहाँ से। इसमें आपको फ्यूल, किलोमीटर, ट्रिप और डिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे सीट बेल्ट वार्निंग, डोर ओपन, इंजन ऑयल वार्निंग, बैटरी एंड ऑल सब सारी वार्निंग्स मिलेगी। फिर हम आते हैं साइड में। यहाँ पे इस सेंट्रो में आपको मिलता है 7 इंच का टच इन्फॉर्मेटिव सिस्टम। इसमें आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन सब चला सकते हो। क्योंकि ये एस्टा मॉडल है तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, आप दिखा देते हैं भैया आपको। क्वालिटी देख सकते हैं आप रिवर्स पार्किंग कैमरा की। आपको सेंसर्स भी मिलेंगे। फिर हम नीचे आते हैं। आपको स्विचेस मिलेंगे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। हैजार्ड लैम्प, रियर डिफॉगर, AC स्विच, ये जो AC कंट्रोल्स हैं ये आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। नीचे जाएं, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, साथ में USB पोर्ट, या आपकी गियर नॉब, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 रिवर्स गियर। फिर जो फीचर मैंने आपको गेट में बताया था कि आप हुंडई ने बड़ी क्लेवर तरीके से अपने जो मिरर एडजस्टमेंट्स हैं उनको एक स्पेशल जगह माउंट किया है, वो है यहाँ पे। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बड़ी क्लेवर ट्रिक से यहाँ पे माउंट किए गए हैं फ्रंट, रियर और चाइल्ड डॉक। फिर हम आते हैं पीछे। हुंडई का सिग्निफिकेंट स्वच कैन, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर स्पेस या फिर ये स्वच कैन होल्डर स्पेस मिलेगा, जो कि आपको एक ही मिलेगा। पीछे आते हैं हैंड ब्रेक पे। हैंड ब्रेक आपका नाइसली डिजाइन है, इजीली ग्रैपिंग है। फिर साइड में थोड़ा स्पेस मिलेगा आपको। फिर हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में आपको कुछ स्पेस यहाँ मिलेगा, थोड़ा बम्प आपको यहाँ मिलेगा। और फिर हम दूसरे स्पेस की तरफ जाते हैं, वो है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लिख रख सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं ग्लो बॉक्स की ओर। ये कूल्ड है, ये ग्लो बॉक्स आपको कूल्ड नहीं मिलेगा। फिर हम दूसरी क्लेवर ट्रिक जो हुंडई ने प्ले की है वो अपने इंटीरियर में, जो इसकी डिज़ाइन है वो हुंडई ने अपनी सिग्निफिकेंट रखी है, जो कि डुअल टोन में है। और फिर दूसरी ट्रिक, ये प्रोपेलर्स जो बढ़िया एयर थ्रो के लिए और चारों तरफ की डिज़ाइन बढ़िया बनाने के लिए। कहीं ना कहीं ये गाड़ी बी सेंट्रल लुक में से हुंडई ग्रैंड आई10 की याद दिलाती है। फिर हम आते हैं रियर व्यू मिरर की ओर। रियर व्यू मिरर आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा रात को। फिर ड्राइवर साइड सन ब्लाइंडर, इसमें आपको वैनिटी नहीं मिलेगा। जो को ड्राइवर साइड सन ब्लाइंडर है उसमें आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिलेगा। फिर आते हैं ग्रैब हैंडल्स की ओर। ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलेगा। वहीं आपको ऊपर थोड़ा सा देखने पे ये ब्लूटूथ माइक मिलेगा। जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो तब ये माइक आपका काम करेगा। दूसरी साइड जाते हैं तो आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा को ड्राइवर साइड में। फिर पीछे आते हैं। ये जो लाइट है हेलोजन लाइट है, काफ़ी अच्छी है, रेंज काफ़ी बढ़िया है इसकी। इसमें हेलोजन दिया हुआ है और ये सेंटर में दिए हुए हैं ना कि फ्रंट में, फिर भी ये सारी गाड़ी कवर कर लेती है। फिर हमने इधर देखते हैं, ये आपके वाइपर्स के सारे कंट्रोल रियर और फ्रंट दोनों के। फिर इस साइड जब आते हैं अपन तो आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि रियर व्यू मिरर्स जो साइड में OBRMs है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, जो कि यहाँ से एडजस्ट होंगे। और फिर यहाँ से हेडलाइट लेवलर है, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि हुंडई को देना चाहिए था।
पर कोई नहीं, जो ये टोल बॉय है इसका मेन फीचर हम आपको दिखाने वाले हैं। भैया आपकी हाइट कितनी है? 6 feet है। भैया का हेडरूम स्पेस देखिए आप, कितना बढ़िया मिल रहा है। भैया का हेडरूम स्पेस देखिए आप, मैं उंगली आपको रेफरेंस के लिए दे सकता हूँ, ये देखिए। फिर भैया का लेग रूम, भैया ने पूरी सीट आगे कर रखी है फिर भी उनके पाँव टच नहीं हो रहे। मेरी भी ऑलमोस्ट 6 inch है फिर भी मेरे पैर आगे टच नहीं हो रहे, और जो कि हाइट आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी स्पेस है। जो ये सिग्निफिकेंट टोल बॉय का फीचर था हुंडई ने अभी भी मेंटेन किया उसको। फिर हम उसको देखते हैं नीचे की ओर। इस साइड आपको मिलेगा आपका फ्रंट हुड खोलने के लिए स्पेस, और फिर यहाँ मिलेंगे आपको अपना बूट और फ्यूल लिड खोलने के लिए स्पेस। फिर हमने स्टार्ट करते हैं रियर डोर की ओर। रियर डोर में भी आपको एक 1 liter बॉटल होल्डर और साथ में स्पीकर मिलेगा। इस गाड़ी में ट्विटर नहीं मिलेगा, स्पीकर्स 4 मिलेंगे जो चारों डोर्स पे होंगे। वहीं जहां फ्रंट में अपन को मिरर स्विच नहीं मिल रहे थे वो बैक में मिल रहे हैं, साथ में ग्रैब हैंडल है और वही सिल्वर टोन आपके डोर अनलॉकर्स। फिर हम जाते हैं अंदर की ओर। अंदर की सीटिंग भी काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है, जो पुरानी सेंट्रो से तो काफ़ी अच्छी है। वहीं हम सीटों की क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लैट सीट दी गई है ताकि थर्ड पैसेंजर भी परेशान ना हो। फ्लैट फिर हम सर से पूछना चाहेंगे सीट की कंफर्ट के बारे में। सीट कंफर्ट का सर ये है कि जो पहले वाली जो सेंट्रो थी उससे कुछ एडवांस डिज़ाइन के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबलनेस के साथ ये थोड़ा सा उसको फ्लैट किया गया है, जिससे क्या है थोड़ा कम्फर्टेबलनेस भी रहे और ये जो सीटिंग जो सीट है उसको थोड़ा पीछे की तरफ से डाउन किया गया है आराम से, ताकि लॉन्ग ड्राइव में हमें कंफर्ट मिल सके, कंफर्टेबल मिल सके। और थोड़ा जैसे आपको कंफर्टेबलनेस तभी महसूस होगी जब आपके आगे लेग रूम ज्यादा हो, लेग रूम ज्यादा होगा। वही हुंडई ने इस पे भी काम किया है। नीस अगर पीछे की तरफ से अगर अपना पोर्शन बैक डाउन रहेगा और आगे की नीस ऊपर रहेगी तब आपको कंफर्टेबलनेस ज्यादा मिलेगी लॉन्ग रूट पे भी और ज्यादा वाइड बैठने से भी। सर एक बार आपकी हाइट पूछना चाहूंगा ताकि हेडरेस्ट हम बता सकें। 5.8 हाइट है सर की, फिर भी आप हेडरूम देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया हेडरूम है इसमें। लेग रूम भी सर के लिए काफ़ी बढ़िया है। प्लस पॉइंट हुंडई ने ये दिया है, जो बीच में ये बम्प आता था ये हुंडई ने हटा दिया है, हटा के फ्लैट किया गया, फ्लैट किया गया है। और सबसे अच्छी चीज मिनी सेगमेंट, मिनी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर रियर एसीवेंट जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है आपको सेंट्रो में दिया गया है, तभी इसको इस गाड़ी को सिर्फ हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट फैमिली हैचबैक है। ठीक है, वही हम ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो पीछे की ओर दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। जो रियर हेडरेस्ट है उसको सर थोड़ा आप मानते हो थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए था, इसको थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए था, लेकिन सर हाँ जैसे लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे हम आगे खिसक के बैठेंगे, आगे खिसक के बैठेंगे जिस जो पर्सन रेस्ट कर रहा है उसके लिए काफी सफिशियंट है, काफी सफिशियंट है और आराम से कंफर्टेबल होके आप। वही मैं सीट्स की क्वालिटी बताना चाहूँ, काफी बढ़िया क्वालिटी है, बकेट फिटिंग सीट्स हैं। वहीं आपको जो मिडिल पर्सन होता है जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं आजकल सेफ्टी के, उसके लिए लैप वाला जो सीट बेल्ट दिया गया है उसकी सेफ्टी के लिए भी। यहाँ सर इसको ओपन कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं ताकि इजीली ओपन हो सके। पीछे की तरफ आते हैं, रियर पार्सल ट्रे मिलती है हमें। सर इसका बूट स्पेस कितना मिलता है हमें? 240 liters यस सर, जो कि इस सेगमेंट में बढ़िया है, बेस्ट इन सेगमेंट फीचर है। फिर अपन सर इसकी स्टेपनी देखना चाहेंगे। स्टेपनी आपको मिलेगी R13 की, ऑल दो आपको व्हील्स मिल रहे हैं R14 के। यस सर, ज़्यादा लगेज लेके अगर अपन जा रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है रियर सीट फोल्डेबल, फुल फोल्डेबल होती है सर, ने फोल्ड करके भी दिखाई है, पार्सल ट्रे भी निकल जाती है, निकाल सकते हैं। सर अब इसका बूट स्पेस कितना होगा लगभग? अब इसका अगर अपन बूट स्पेस की बात करें तो 600 liters अराउंड 600 liters जो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। जो कंपनी अपनी बेस्ट इन फीचर्स देने के लिए फेमस है, वहीं अगर चाहती तो क्रॉस कटिंग कर सकती थी, पर उसने पीछे भी ये पैडिंग्स दी ताकि वाइब्रेशंस कम आए अंदर। फिर यहाँ देखते हैं सबसे बढ़िया चीज़, जो स्क्रू दिए हुए उनको कवर करके दिया गया पूरा, ताकि कोई पीछे का जो साउंड है, साउंड है वो गाड़ी के अंदर तक ना जाए, बंद करेंगे तो इसका जो साउंड और जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा ना हो, इसलिए ये स्क्रू काम में आते हैं, इसलिए ये स्क्रू डाला गया है। सर हमें एक्सप्लेन करने वाले इसके इंजन के बारे में। सर हमें इसके 1.1 लीटर वही स्टैंडर्ड इंजन मिल रहा है या फिर कोई रिफाइनमेंट की गई है उसमें? रिफाइनमेंट की गई है सर, पहले 1.0 लीटर इंजन था, अब इसमें आपको अपग्रेडेड 1.1 लीटर इंजन मिलेगा जो कि नई जनरेशन के लिए बनाया गया है,
और दूसरा आपको इसमें जो पावर बढ़ाएगी 69 PS पर 69 PS पावर है और 115 Nm टॉर्क है इसका। और दूसरा अगर अपन इससे आगे अगर अपन बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है और पिकअप पावर में बहुत अच्छा मिलेगा फीचर से। सबसे मेन हिडन फीचर जो हुंडई क्लेवरली उसने प्लान किया है इस गाड़ी को लॉन्च करते टाइम, ये गाड़ी के अंदर रिवील करेंगे ऐसा जो फीचर दे रहा है इको कोटिंग। इको कोटिंग मींस जो बाहर की जो स्मेल है वो एयर जो ये एसी ऑन करते टाइम आती है, आती है और अंदर के जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सफोकेशन होती है। दूसरी चीज अपने इसमें उनको वोमिटिंग है, ये चीजें नॉर्मल सी ये चीजें होती हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए और उनको दूर करने के लिए कंपनी ने इसके अंदर वरना और इलेंट्रा का फीचर ज़्यादा है इको कोटिंग। फिर सर हम बात करना चाहेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सेफ्टी फीचर्स इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से शायद ही इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दे रखे होंगे। 2 एयरबैग्स जो कि अपने टॉप मॉडल में मिलेंगे, बाकी ड्राइवर साइड एयरबैग अपना स्टैंडर्ड ड्राइविंग साइड एयरबैग जो आएगा वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको ABS विथ EBD प्लस ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 2 एयरबैग्स। ABS मींस एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम में भी इस गाड़ी को सेफ्टी एक लेवल अप करती है जो नई जनरेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें। सेफ्टी है, कंट्रोलिंग है, गाड़ी की स्टेबिलिटी है, उनको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने ABS प्लस EBD इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग डिवाइस। सर एक अराउंड लुक अराउंड देना चाहेंगे इंजन का, इसमें आपको ये स्टैंड अप इंजन मिलेगा ABS। फिर हम ABS पे फोकस करते हैं। ABS डिवाइस EBD विद EBD डिवाइस ये रही। ये अपन को स्टैंडर्ड बैटरी मिलती है, बैटरी सेवर है ये, आपको बैटरी सेवर डिवाइस मिलेगा, बैटरी सेवर डिवाइस मिलता है। ये इसका सारा जो भी है जिसका फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स जो आएगा वो ये आएगा इसको। फिर हम इसके ट्रांसमिशन की ओर जाएंगे, वो आप फोकस कर दो नीचे उसका ट्रांसमिशन। नीचे इसकी बात करें तो इसमें स्पेस खूब वाइड दिया गया है हुंडई। सर एक फीचर हमने छोड़ दिया जो कि हुंडई ने वापस से क्लेवरली एयर डिफेंडर, ये जो एयर डिफेंडर है ये हुंडई का जो फ्लूइड डिजाइन दी गई है उसके हिसाब से दिया गया है। ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट दिया गया है बेटर एयर कटिंग के लिए और बेटर माइलेज प्रोवाइड करने के लिए। ये हमारी सेंट्रो हमने पूरा एक्सप्लोर किया है और सर हमें कैसे सर आपको शॉर्टली ही थोड़े दिनों में आपको 2-3 दिनों के अंदर ही एक टेस्ट ड्राइव स्टार्ट मिल जाएगा। सर हमें टेस्ट ड्राइव जल्दी अवेलेबल करवाएंगे जरूर सर, क्योंकि आज ही लॉन्च हुई इसलिए कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, अभी टेस्ट ड्राइव मॉडल इसका अवेलेबल नहीं है। ये थी अपनी सेंट्रो की लॉन्चिंग और आप लोगों ने सेंट्रो के फीचर्स भी देख लिए होंगे, तो क्या पसंद आया क्या नहीं आया उसके लिए आप नीचे कमेंट में डाल देना और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो कर लेना जो कि मैं लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। सो बाय।